छतरपुर के नौगांव में अवैध पटाखा फैक्ट्री में अचानक विस्फोट हो गया, जिससे फैक्ट्री में काम कर रहा एक मजदूर 90% तक झुलस गया, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना नौगांव धौरा रोड की आवासीय कॉलोनी की है, जहां एक मकान में अवैध रूप से पटाखे की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। अचानक विस्फोट की आवाज से लोगों ने बाहर निकल कर देखा तो इस मकान पर मजदूर सोनू आग में झुलसा हुआ था। विस्फोट के समय मकान में भारी मात्रा में बारूद रखा था, जिसे विस्फोट होते ही लोगों ने बाहर निकालकर फेंक दिया। विस्फोट की सूचना लगते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इस अवैध पटाखा फैक्ट्री के पास कोई लाइसेंस नहीं था। आज था तो ये पटाखे बनते उधर पे वहाँ पे काम करता है ना छोटा भाई, खुद का नहीं है, दूसरों का काम करता था। किसका काम करता था, कौन चलाता था ये? आज तक क्या, या बारूद फिस रही होगी, या उसमें कंकड़ अंकड़ आया होगा, उससे आगी लगी होगी, या फिर कोई ऐसी चीज आ गई हो, या आगी की कोई उससे दुर्घटना हुई है। अभी तत्काल हमको जानकारी ऐसी प्राप्त हुई है, मैं हॉस्पिटल आया हूँ, हॉस्पिटल ने देखा कि सोनू खान सनोफ रहीम खान उम्र 30 वर्ष का, वार्ड नंबर 18 है, जो नौगांव का रहने वाला है जी, पटाखा बनाते समय ये 90% जल गया है। इसको यहाँ प्राथमिक उपचार करा कर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वास्तविक स्थिति के लिए पुलिस और प्रशासन पूरा मौके पर जा रहा है, जो स्थिति निकलेगी वो बताई जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।